छत्तीसगढ़ का नाम आते ही आपके मन में नक्सलवाद की तस्वीर उभर आती होगी। सबसे पिछड़ा इलाका कहे जाने वाले बस्तर से तो नक्सलियों के कहर की खबरें आती ही रहती हैं। लेकिन अब बस्तर से खेलों के क्षेत्र में कई प्रतिभाएं निकल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर के युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं युवराज सिंह। पसीना बहाते नजर आ रहा ये युवक युवराज सिंह है। युवराज सिंह म्यू थाई वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे हैं। युवराज ने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते हैं लेकिन अब विश्व स्तर की चैंपियनशिप जीतने की तैयारी में हैं। युवराज प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी हैं जो मलेशिया में होने वाले म्यू थाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं अभी मतलब रोज प्रैक्टिस तो रोज ही होती है मेरी। सर मेरे सर ही कराते हैं, मेरे गुरु जी मैं अब्दुल मोइन सर, ये रोज मेरी प्रैक्टिस कराते हैं सर। मतलब 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेरे ऊपर पूरा मेहनत करते हैं सर। और उसके बाद अभी मेरा चयन हुआ है मलेशिया के लिए वर्ल्ड में होता है चैंपियनशिप में, जिसमें मैं अपने पूरे 100% दे के आऊँगा और बाकी भगवान संभाल लेंगे। छत्तीसगढ़ से अकेला मैं ही जा रहा हूँ और मैं ट्राई करूंगा, मेरा पूरा 100% एफर्ट रहेगा कि मैं वहाँ पूरा अच्छे से अपना 100% दे के आऊँ, अपने पूरा गोल्ड मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए और पूरे इंडिया को प्राउड कराऊँ। 9 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप से युवराज को पूरी उम्मीदें हैं कि वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। वहीं युवराज के कोच अब्दुल मोइन को भी इस खिलाड़ी से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि 5 सालों की मेहनत और लगन युवराज से मेडल की आस जगा रही है। मैं था कोच युवराज सिंह, पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू इस खेलों में अभ्यास कर रहा है और करते हुए अभी 2022 की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप देवास मध्य प्रदेश में हुई उसमें इसने गोल्ड मेडल हासिल किया अंडर 14 ईयर्स में और इसका वजन है 71 प्लस में ये खेलेगा 71 प्लस में और ये कुआलालंपुर मलेशिया वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में ये भाग लेने के लिए 9 से 22 अगस्त तक भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। छत्तीसगढ़ का ये मात्र एक खिलाड़ी है भारत से, पूरे भारत से जो प्रतिनिधित्व करेंगे उसमें 25 एथलेटिक्स और 8 अधिकारी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बस्तर के लिए ये बहुत गौरव की बात। बस्तर का नाम रोशन करने के लिए स्थानीय लोग भी युवराज की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी युवराज की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं और युवराज के टैलेंट की प्रशंसा कर रहे हैं। बस्तर का बालक राजेंद्र का सुपुत्र, सम्मानी मेरे अनुज राजेंद्र का सुपुत्र युवराज सिंह, जो लगातार जिसकी रुचि रही है कि बॉक्सिंग जो मुथई बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है इस पे, चाहे दली राजहरा जैसा उन्होंने अपना बात को शेयर किया, दली राजहरा पे उन्होंने ये काम मतलब ये चैंपियनशिप चालू किया था और तब से लेके लगातार असम में चाहे और भी जगह पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इसका चयन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, ये हम सब बस्तर वालों के लिए गौरव की बात है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यदि हम और यदि ऊपर करें तो ये गोल्ड मेडल जब लेके आएंगे तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात होगी। आपको बता दें कि म्यू थाई के लिए युवराज ने खासा तैयारी की है। अब जिले और प्रदेश को आस है कि युवराज अपने सर्वश्रेष्ठ खेल को दिखाकर मेडल लेकर आए। पंजाब केसरी टीम के लिए जगदलपुर से सुमित सेंगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।